मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जेना को स्कूल में देखते हैं। अपने स्कूल के लिए पिक्चर ले रही थी, फोटोग्राफर उसे अलग नाम से बुलाता है और जब वो उन्हें करेक्ट कर रही थी तभी उसकी पिक्चर आ जाती है और इसी वजह से वो अच्छी नहीं आई थी। स्कूल में उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है मैट। मैट हमेशा उसे सपोर्ट करता है, वो जैसी है उसे बहुत ही अच्छी लगती है। जेना अपने आप को नर्ड समझती थी और स्कूल की पॉपुलर लड़कियों की तरह वो पॉपुलर बनना चाहती थी। एक सात लड़कियों का ग्रुप था और उनकी लीडर उसके पास आती। उनकी लीडर का नाम था लूसी। आज जेना का बर्थडे था तो जेना उसे कहती है कि तुम्हें मेरे बर्थडे पर आना चाहिए। लूसी कहती कि मेरा असाइनमेंट बाकी है, वो चाहती थी कि जेना ही उसका असाइनमेंट कंप्लीट करे। जेना इसके लिए हाँ कह देती है। लूसी ने कहा कि बाकी लड़कों को भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। जिन लड़कों को लाने वाली थी उनमें से एक लड़का जेना को बहुत पसंद था। घर पर आते वक्त जेना और मैट बात कर रहे थे। जेना उसे कहती है कि मैं भी उन लड़कियों की तरह बनना चाहती हूँ। मैट कहता है कि वो इतनी ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है, तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। वो फिर अपनी फेवरेट कैंडी खाते है और फिर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। मैट उसका नेबर ही था। जेना रेडी हो गई तभी उसके बर्थडे के लिए विश करने के लिए उसके पेरेंट्स उसके रूम में आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। मदर कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। जेना ने उसे मैगजीन्स दिखा है। वो कहती है कि इन मैगजीन्स की लड़कियों की तरह मैं नहीं दिखती, वहाँ पर 30 एज की लड़कियाँ किस तरीके से होती है इसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ था कि 30 का एज कितना अच्छा होता है। मदर कहती है कि वो सब मॉडल्स है और नॉर्मल लोगों की तरह वो नहीं होती, कभी ना कभी तुम भी 30 बनोगी। तुम आज जिस एज में हो तुम्हें इसी को एंजॉय करना चाहिए। जेना जाकर बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ रेडी करने लग गई। थोड़ी देर में वहां पर मैट आता है, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। उसे कहता है कि मुझे पता है कि हमेशा से तुम एक डॉल हाउस चाहती थी, तो मैंने तुम्हारे लिए खुद का डॉल हाउस क्रिएट किया है। जेना देखती है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैट फिर उसके साथ एक विशिंग डस्ट भी लाया था। वो कहता है कि डस्ट गिराकर तुम जो भी मांगो वो एक्चुअल में ट्रू हो जाता है। ये फिर उसने हाउस पर छिड़क दी। इसके बाद वो सब लड़कियां वहां पर आ रही थी तो जेना ये हाउस क्लोजेट में रख देती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका मजाक उड़ाए। अपने पेरेंट्स को भी वो ऊपर के रूम में जाने के लिए कहती है। सब लड़कियां वहां पर आती है और कुछ लड़कों को भी लेकर आती है। मैट ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगाए थे और इस पर वो डांस कर रहा था, पर बाकी लड़कियों को पसंद नहीं आते। वो बंद कर देती है और दूसरा म्यूजिक चलाती है। मैट फिर जेना से बात करता है पर जेना ने उसकी इंसल्ट कर दी। मैट चाहता था कि वो उसके लिए सॉन्ग प्ले करे। वो फिर पियानो लेने के लिए अपने घर चला जाता है। सेलिब्रेशन के वक्त लूसी जेना से कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। इस गेम के अकॉर्डिंग जेना क्लोजेट में जाएगी और 7 मिनट तक एक लड़के के साथ अंदर रहेगी। जेना को एक लड़का बहुत पसंद था और लूसी कहती कि वही तुम्हारे साथ आएगा। जेना फिर उस क्लोजेट में चली गई। उसे बंद करने के बाद जेना ने लूसी के लिए जो होमवर्क किया था ये सब कुछ वो लेकर सब लोगों को वहां से चली जाती है। जाते वक्त वहां पर उसे मैट दिखता है तो मैट को कहता है कि लूसी तुम्हारा क्लोजेट में वेट कर रही है। मैट अंदर जाता है और जेना को किस करने वाला था, पर जेना कोई और लड़के का नाम लेती है। जेना को जब पता चलता है कि यहाँ पर हुआ क्या है तो इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसने मैट को बाहर निकालकर क्लोजेट बंद कर लिया। वो कहती कि मैं सब कुछ चीजों को हेट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली 30 ईयर्स एज की बन जाओ और बहुत ही रिच हो जाओ। जब वो बोल रही थी तो डॉल हाउस के ऊपर की डस्ट ये उस पर गिर जाती है और एक्चुअल में अब ये रियलिटी बन गई थी। वो जब अगले दिन उठी तो 30 ईयर्स की थी। उसे तो पहले बात समझ में नहीं आती, उसे लगता है कि किसी दूसरे हाउस में हो। अपने पेरेंट्स को बुलाती है पर घर में अपने पेरेंट्स के साथ अब वो रहती नहीं थी। उसने बाथरूम में जाकर फिर मिरर देखा और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। तो समझ नहीं पाती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। घर के अंदर अपने मेल्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका ही घर है। उसने जल्दी से अपने डैड को कॉल लगाया। उसके पेरेंट्स वैकेशन के लिए कैरेबियन गए थे। अचानक से फोन बजने लग जाता है और उसे पता नहीं था कि अब सेल फोन इन्वेंट हो गए थे और इसी वजह से आवाज कहाँ से आ रहा है ये वो समझ नहीं पाती। उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आने की कोशिश करता है पर जेना उसे बहुत डर रही थी। जल्दी से अपना कोट लेकर इस घर से वो बाहर निकल आती है। जैसे वो बाहर आए तो बाहर उसे उसकी फ्रेंड लूसी मिलती है और वो दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। जेना बहुत ही कंफ्यूज थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लूसी से कहती है कि हम बहुत ही लेट हो चुके हैं, जल्दी से कैब में आ जाओ। जेना के पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी उसे पुकार रहा था तो जेना डर कर जल्दी से लूसी के साथ कार में बैठ जाती है। जेना बिलीव नहीं कर पाती कि लूसी एक्चुअल में उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जेना की बातें सुनकर लूसी को लग रहा था कि जेना शायद कल रात से हैंगओवर है और इसी वजह से इस तरीके की बातें कर रही है। उनकी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उनकी बातों से जेना को पता चलता है कि जिस मैगजीन के बारे में वो बचपन में पढ़ा करती थी आज उसी मैगजीन में वो काम करती है। वहां पर उसे एक बहुत ही अच्छा जॉब है। लूसी उसे कहती है कि कल के हैंगओवर के बारे में भूल जाओ और आज एक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना। जेना की एक पर्सनल सेक्रेटरी भी थी तो अपनी सेक्रेटरी को जेना ने कहा कि एक लड़की का मैं तुम्हें नाम बताती हूँ, उसके बारे में पता करो। जेना ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी और इसी वजह से मैट को ढूंढकर उससे वो बात करना चाहती थी।
मीटिंग में हमें पता चलता है कि उनके मैगजीन की हालत बहुत ही खराब है। उनके कंपटीटर बहुत ही अग्रेसिव थे और इसी वजह से उनके मैगजीन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। बॉस इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आइडिया मांग रहे थे, पर जेना के पास कोई भी आइडिया नहीं था। वहां से बाथरूम का नाम लेकर वो चली जाती है। वो अपने ऑफिस में गई। वो बिलीव नहीं कर पाती कि कितने बड़े बड़े लोगों को जानती है। जिस तरीके से उसने अपनी लाइफ को इमेजिन किया था उसी तरीके से अब उसकी लाइफ है। उसकी सेक्रेटरी ने उसे आकर कहा कि तुम्हारी मदर का कॉल आया था। जेना ने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सेक्रेटरी कहती है कि आपने ही तो मुझे बताया था कि मदर का कॉल पिकअप नहीं करना है। जेना समझ नहीं पाती कि वो इस तरीके से बात क्यों करेगी। सेक्रेटरी ने मैट का एड्रेस निकाल लिया था। जल्दी से वो मैट के घर पर आ गई। मैट समझ नहीं पाता कि डोर पर है कौन। जेना जैसे ही मैट को देखती तो बहुत ही सरप्राइज थी, क्योंकि मैट की हाइट वगैरह सब कुछ बदल गया था। वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। मैट उसे देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, पर थोड़ी देर के बाद समझ जाता है कि ये जेना है। मैट अब एक बहुत ही फेमस और अच्छा फोटोग्राफर बन चुका था। जेना उसके साथ जो भी हो रहा था इस सब के बारे में मैट को बताती है। उसे कहती कि कल मैं 13 ईयर्स की थी और अब डायरेक्टली 30 ईयर्स की हो चुकी हूँ। मेरे लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज मुझे हेल्प करो। मैट कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें अब ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, हम बहुत सालों से अब फ्रेंड्स नहीं है। जेना इस बात से शॉक थी, पहले तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मैट फिर उसे पानी वगैरह पिलाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर रहती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जेना उसे कह रही थी कि हम दोनों मिलते क्यों नहीं है, मैं घर पर जाती होगी तब तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलते ही होंगे। मैट कहता है कि तुम क्रिसमस पर भी अपने घर पर नहीं जाती, लास्ट टाइम 6 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था। इसके बाद वो जेना के घर पर आ गए थे। उसके घर में सब कुछ फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं। उन्होंने हाई स्कूल की ईयर बुक की फोटोज देखी। इसमें से जेना को पता चलता है कि पॉपुलर लड़कियों के साथ फिर वो रहने लग गई थी। जिस लड़के को डेट करना चाहती थी उस लड़के को उसने डेट किया था। वो प्रॉम क्वीन भी बनी थी। उसे जो भी चाहिए था ये सब कुछ मिल चुका था। उसे अपने ऑफिस से कॉल आता है। आज रात एक पार्टी होने वाली थी और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कार वो उसे सेंड कर रहे थे। जेना सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो बहुत ही खुश थी और ये देखकर मैट कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जेना कहती है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना चाहिए। मैट कहता है कि मुझे जरा काम है, और इसके बाद वहां से वो जा रहा था। बचपन में हमेशा एक अलग तरीके से एक दूसरे को बाय कहते थे, उसी तरीके से वो आज भी कहते हैं। इसके बाद जेना रेडी होती है। उसके पास बहुत सारे वैरायटी के कपड़े थे। वो एक अच्छा समय कोर करती है। लिफ्ट में वो नेबर लड़की से मिलती है। जेना उसे बात कर रही थी तो लड़की कहती कि तुम मेरे साथ बात क्यों कर रही हो। जेना कहती कि तुम तो मेरी नेबर हो, मैं तो तुमसे बात करती होंगी। लड़की कहती कि तुम मेरे साथ कभी भी बात नहीं करती, सिर्फ मुझे इग्नोर करती हो। इसके बाद वो लड़की उसे कॉम्प्लीमेंट करती है और दोनों अच्छी तरीके से बात करने लग गई। जेना उसे अपने घर पर इन्वाइट भी करती है। रात में जेना फिर पार्टी में आती है। अब वो एडल्ट है तो उसे ड्रिंक करना अलाउड है, तो बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। जेना और लूसी को उनकी कंपटीटर भी मिलती है। वो उसकी बेइज्जती कर देते हैं। पार्टी में उनके बॉस बहुत ही वरीड थे, क्योंकि स्लोली स्लोली लोग यहाँ से जा रहे थे। ये पार्टी उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ऑलरेडी लोग उनके मैगजीन को बहुत ही बोरिंग समझ रहे थे। अगर ये पार्टी भी बोरिंग हो जाती है तो उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा, अपनी रेपुटेशन को फिर से सेव नहीं कर पाएंगे। जेना कहती है कि यहाँ पर म्यूजिक बहुत बोरिंग चल रहा है और इसी वजह से लोग एंजॉय नहीं कर रहे। वो अपने बचपन का फेवरेट सॉन्ग लगाती है। जेना ने मैट को इनवाइट किया था तो मैट वहाँ पर आ जाता है। जेना अकेले ही डांस करने का ट्राई कर रही थी, पर वो मैट को भी बुला लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। उनका डांस बहुत ही अच्छा था, तो स्लोली स्लोली सब लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेना अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करती है। एक रात वो लूसी के साथ बाहर आई थी। लूसी उसे कहती है कि वो लड़का तुम्हारी तरफ देख रहा है, शायद तुम उसे अच्छी लगी हो, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। लूसी उसे ग्रोन एडल्ट के बारे में बात कर रही थी, पर जेना एक छोटे से लड़के के पास जाती है। जेना कम्प्लीटली भूल चुकी थी कि अब वो 30 ईयर्स की है। जल्दी से लूसी उसे वहां से लेकर जाती है। बाहर हम देखते हैं कि जेना को मैट दिखता है। इतने सालों बाद मिलने के बाद भी लूसी मैट का मजाक उड़ाती है। जेना और मैट बात कर रहे थे तभी मैट की गर्लफ्रेंड वहां पर आई। थोड़े दिनों में एक दूसरे के साथ वो शादी करने वाले थे। वहां पर जेना का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। बॉयफ्रेंड भी एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रिटी था। मैट के वहां से जाने के बाद बॉयफ्रेंड कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना चाहिए। जेना इसके बारे में लूसी से बात करती है कि क्या मुझे इसके साथ घर पर जाना चाहिए। लूसी कहती है कि उसके साथ जाकर एंजॉय करो। जेना को लग रहा था कि उसके साथ घर पर जाकर उसके साथ गेम्स खेलेगी। बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है। जेना को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा और वहां से वो निकल आती है। अगले दिन मीटिंग में जेना के बॉस सब लोगों को कह रहे थे कि हमारी मैगजीन बहुत बड़े ट्रबल में है, हमें नेक्स्ट 2 वीक्स में कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, अगर नहीं किया तो ये मैगजीन बंद पड़ सकती है। ये टास्क लेने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जेना इसके लिए स्टेप अप करती है, कहती है कि हम पूरी मैगजीन को रिडिजाइन कर सकते हैं।
मीटिंग के बाद सेक्रेटरी जेना को उसके मैसेजेस दे रही थी। पता चलता है कि जिस तरीके से जेना लोगों को ट्रीट करती है उस वजह से सब लोग उसे हेट करते हैं। उसने उसके एक एम्प्लॉय का आईडिया भी चुराया था। थोड़ी देर में वहां पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय का हस्बैंड वहां पर आता है। वो आते ही जेना को किस करता है। जेना को रियलाइज हुआ कि उस आदमी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो आदमी फिर से उसके पास आने की कोशिश करता है तो जेना उसे किक कर वहां से चली जाती है। जब वो लूसी के ऑफिस से गुजर रही थी तो उसे पता चलता है कि लूसी उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही है। वो 2 वीक बाद जेना के अगेंस्ट एक प्रेजेंटेशन करने वाली थी। इस बात से जेना को बहुत बुरा लगता है। रात में जेना मैट के पास आए। वो दोनों वॉक के लिए जाते हैं। मैट से कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि तुम शादी कर रहे हो। क्या तुम उसके साथ प्यार में हो? क्या उसे देखकर तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाईज आते हैं? मैट कहता है कि वो सब चीजें अब मुझे नहीं होती। जेना उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हम एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं रहे। मैट कहता है कि तुम्हारे 13 पट्टे पर तुमने मुझे वहां से निकाल दिया था। उसके बाद तुम पॉपुलर गर्ल्स के बीच में रहने लग गई थी। उसके बाद तुमने कभी मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं रखा। जेना इसके लिए बहुत ही सॉरी थी। उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो डायरेक्टली अपने घर पर आती है। अपने क्लोजेट में जाकर वहां पर रोने लग गए। उसके पेरेंट्स वैकेशन से वापस आए थे। उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और उन्हें गले लगा लेती है। रात में बिजलियां कड़कने लग गई थी तो अपनी मदर के पास आकर वो सो जाती है। उसने अपनी लाइफ में जो चॉइसेस की थी इसके लिए जेना को बहुत बुरा लग रहा था। वो वंडर करती कि शायद इसको सुधार पाए। वो अपनी मदर से बात करती है। उनसे पूछती है कि अगर आपकी चॉइसेस को आप बदल पाओ तो आप क्या करोगी। मदर कहती है कि मैं कोई भी चॉइस को चेंज नहीं करूंगी क्योंकि हर एक मिस्टेक के बाद मैं कुछ सीख पाई थी। जेना समझ जाती है कि अगर उससे गलतियां हुई होगी तो फिर भी इसको सॉल्व कर सकती है, इसको सुधार सकती है। वो फिर सिटी में आकर मैट से बात करती है। वो कहती है कि हम मैगजीन को रिडिजाइन कर रहे हैं और मेरी मैगजीन तुम्हें एज अ फोटोग्राफर हायर करना चाहती है। वो दोनों मिलकर फिर एक कंसेप्ट पर काम करते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छी से पिक्चर्स लेते हैं। रात में काम करते अचानक से जेना को याद आता है कि बचपन में कैंडी खाया करते थे उन्होंने अभी तक खाई नहीं है। वो फिर जाकर वो लेकर आते हैं। साथ में फिर वो वॉक कर रहे थे। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम वो स्पेंड करते हैं। बचपन में जिस तरीके से गेम्स खेलते थे वही वो फिर से खेलते हैं। इन्हीं सब चीजों में एक दूसरे के करीब आके मैट उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब के बारे में जेना अपने बिल्डिंग्स की फ्रेंड्स को बता रही थी। वो रियलाइज करती है कि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैट की शादी होने वाली है। मैट के साथ वो आज रात डिनर पर जाने वाली थी पर मैट की फियांसे वहां पर आ गई। वो एक दिन पहले ही आ गई थी और मैट के साथ डिनर के लिए अब वो नहीं जा सकती। आज प्रेजेंटेशन का दिन था। वहां पर लूसी जो अपना प्रेजेंटेशन देती है वो बाकी मैगजीन्स की तरह ही था। ये किसी को भी उतना ज्यादा पसंद नहीं आता। इसमें न्यूनेस कुछ भी नहीं था। इसके बाद जेना जब अपना प्रेजेंटेशन देती है तो कहती है कि मैगजीन में रियल पीपल को हमें यूज करना चाहिए। नॉर्मल पीपल जो देखना चाहते हैं हमें उन्हें वही दिखाना चाहिए। सेलिब्रिटीज वगैरह सारी चीजें हमने ट्राई कर देखी है, अब हमें एक्चुअल ब्यूटी को दिखाना चाहिए। ये आइडिया सब लोगों को बहुत पसंद आता है। इसमें मैट के फोटोज भी बहुत ही अच्छे थे। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लूसी को इस बात से बहुत जेलस फील होता है। लूसी डायरेक्टली जेना के ऑफिस में चली जाती है। वहां पर उसके सारे आइडिया वो चेक कर रही थी। वह उसे पता चलता है कि लूसी को दूसरी मैगजीन से ऑफर आया हुआ है। ये लेटर्स वो अपने लिए रख लेती है। जब मैट अपना चेक लेने के लिए ऑफिस में आया तो लूसी को देखता है। लूसी कहती है कि जेना को तुम्हारे डिजाइन पसंद नहीं आए और इसी वजह से रिप्लेस कर रही है। हम तुम्हें फिर भी पे करना चाहते हैं। तुम्हारे पिक्चर्स को हम कभी ना कभी यूज कर लेंगे। उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और इसके बाद मैट वहां से चला जाता है। आज रात डिनर के लिए लूसी रेडी होकर मैट के घर पर आई। वहां पर उसे मैट की फियांसे मिली और उसे वहां से पता चलता है कि वो अगले दिन ही शादी करने वाले थे। जेना अपने ऑफिस में वापस आती है तो उसके बॉस उसके पास आए। वो उसे कहते हैं कि लूसी ने दूसरे मैगजीन में जॉब कर लिया है। मैट के सारे फोटोज भी अपने साथ वो लेकर चली गई। जेना फिर डायरेक्टली लूसी को कन्फ्रंट करने के लिए जाती है। कहती कि तुमने ये सब किया क्यों। लूसी कहती कि अगर मैं नहीं करती तो तुम ये जॉब छोड़ने वाली थी। इसके बाद वो वहां से चली गई। आज मैट की वेडिंग थी तो जल्दी से वहां पर वो पहुंचना चाहती थी। वो जिस कैब में बैठती है तो कैब ड्राइवर वही लड़का था जो हाई स्कूल में उसे पसंद था। वो जल्दी से कैब से उतर कर मैट के पास पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि लूसी ने तुमसे जो भी किया वो गलत था, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो उसे कहती कि मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है पर प्लीज मुझे और एक चांस दो। जेना चाहती थी कि मैट आज शादी ना करे। मैट कहता है कि इतने सालों तक तुमने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। तुम टाइम को इस तरीके से बैकवर्ड नहीं कर सकती। ये डॉल हाउस मैट ने अभी तक उसके पास संभाल कर रखा था, ये वो जेना को दे देता है। मैट कहता है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है पर फिर भी किसी और लड़की के साथ आज वो शादी करने वाला था। ये डॉल हाउस लेकर अपने घर के सामने वो बैठती है और रो रही थी। वो विश करती है कि वो फिर से 13 ईयर्स की हो जाए। उस हाउस के ऊपर की डस्ट फिर से उस पर गिरती है और वो फिर से 13 ईयर्स की बन चुकी थी। वो उसी क्लोजेट में वापस आ जाती है। जैसे वो डोर खोलती है
वैसे वो मैट को जाकर किस कर लेती है। उसने जाकर लूसी का असाइनमेंट फाड़ दिया। उसके साथ अब वो नहीं रहना चाहती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बड़ी होती है तो मैट के साथ ही शादी करती है। एक दूसरे के साथ उन्होंने एक ब्यूटीफुल सी लाइफ क्रिएट की थी। जो मिस्टेक्स उसने पहले की थी अब वो उसने नहीं की। इसी साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।